नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले कहना चाहूंगा आप सभी श्रद्धालुओं को जय माता दी। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा इस वीडियो का थंबनेल, इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूं कि अगर आप यात्रा पे आ रहे हैं तो एकोमोडेशन कौन सा बेस्ट रहेगा जिससे आप बुक कर सकें। क्योंकि अक्सर देखा गया यात्री को पता नहीं होता जो फर्स्ट टाइम आते हैं कि त्रिकुटा भवन बुक करें, निहारिका भवन बुक करें, शक्ति भवन बुक करें, क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या डॉर्मेट्री है, कितना उसका फेयर रहने वाला है, ये सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। और बारीक से बारीक पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा जिसमें नहाना भी होता है, क्लॉक रूम भी होता है, कंबल की सुविधा क्या है, कितना उसका चार्ज देना होता है, ये सब आपको कवर करने वाला हूँ। और कितना उसका डिस्टेंस रहेगा अगर मैं बात करूँ बस स्टैंड से या फिर स्टेशन से या फिर कटरा बानंगा से। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो इस चैनल पर पहली बार आया है, ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना और हाँ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं कि ये भवन कौन सा है, इसका नाम है त्रिकुटा भवन। त्रिकुटा भवन की बात करूं तो स्टेशन से ये है आपको शो करता है तकरीबन 2.4 किलोमीटर। बस हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं पैदल का तो ये 1.7 किलोमीटर एग्जैक्टली स्टेशन से, और हमें यहाँ पे पहुँचने के लगे सिर्फ 20 मिनट। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल टोटल 4 से 5 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर के अंदर आपके डॉर्मेट्री बेड्स लगे हुए हैं। और इसमें यहाँ पे आने का मेरा मकसद क्या था अगर आपको बताऊँ तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वॉशरूम है ना, ये मुझे बहुत सही लगे। मालूम क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सुविधा है नहाने की, तो पहली बात सीट जो है, जो टॉयलेट की बात करें तो वेस्टर्न भी है, इंग्लिश भी है, दोनों ही सीट्स अवेलेबल हैं। और साथ में वॉश बेसन यहाँ पे अवेलेबल है हाथ धोने के लिए, ब्रश वगैरह करने के लिए। यूरिनल पॉट्स लगे हुए हैं, जेंट्स का अलग है और लेडीज़ का अलग है। और सबसे बड़ी बात जो प्लस पॉइंट मुझे लगा वो क्या है कि इसमें जो बाथरूम है ना वो शेयरिंग नहीं है, वो मतलब कॉमन नहीं है, वो सेपरेट है। उसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम लोग मान लीजिए जेंट्स होते हैं, हम जेंट्स नहाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है उनके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो गीले हो जाते हैं अगर वो ऊपर में नहाए तो। बट देखिए यहाँ पे अलग अलग बने हुए हैं, सेपरेट है, हर एक के अंदर बकेट है और टब लगा हुआ है, बाल्टी लगी हुई है, साथ में मग्गा भी है और गीज़र लगा हुआ है, 24 घंटे गर्म पानी आता है, सेपरेट गीज़र है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहाने धोने की। और बड़े आराम से जो यात्री है यहाँ पे नहा सकता है, अपने कपड़े चेंज करके वो अपने बैग में दोबारा से पैक कर सकता है। क्योंकि अगर ये ओपन में होता तो आई थिंक जो अंडर गारमेंट्स हैं वो सब गीले हो जाते, तो यहाँ के गीले होने कोई मतलब ही नहीं बनता अगर कोई गीला खुद से ना करना चाहे तो। ये मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा किसका, त्रिकुटा भवन का। तो ये सारा का सारा जो कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे हैं ये त्रिकुटा भवन कॉम्प्लेक्स है जो कि मात्र स्टेशन से 1.9 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी बात मुझे क्या लगी डॉर्मेट्री की, आप देख पा रहे हैं इस कमरे में तकरीबन 10 से 12 बेड लगे हुए हैं, ठीक है 12 बेड है। और ये एसी डॉर्मेट्री हमें दिया था, हालांकि ये विंटर्स में गए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता एसी हो या ना हो, बट इसका जो शुल्क लगा हमारा वो लगा 150 रुपये पर मेंबर। अब इसका प्लस पॉइंट मुझे क्या लगा, क्योंकि हर एक कमरे के अंदर अलग से जितने बेड हैं उतने ही यहाँ पे वार्डरोब्स बनी हुई हैं, और वार्डरोब के अंदर काफ़ी स्पेस है, अपना आप सामान रख सकते हैं और साथ में इसको आप लॉक करके कहीं जा भी सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा त्रिकुटा भवन के अंदर। हालांकि क्लॉक रूम या लॉकर की बात करूँ तो वो निहारिका भवन में या फिर आपका शक्ति भवन में है, बट ऐसा नहीं है जो कमरे के अंदर ही हो, वो सब कमरे के बाहर हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसी वीडियो के अंदर। आप बने रहिए, बस वीडियो को देखना एंड तक, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जो अभी कॉम्प्लेक्स है फिर आपको बता दूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका है त्रिकुटा भवन और इसी के अंदर आपके वार्डरोब्स हैं, जिसका प्लस पॉइंट क्या है कि आप जब अपना चेंज करके आते हैं या रात को सोने के लिए कपड़े चेंज करते हैं तो सारा का सारा सामान अपने जो बिलोंगिंग्स हैं, जैसे वो आपका ट्राईपॉड है, कैमरा है, कंबल है, आपके बैग्स हैं, ब्रीफ केसेस हैं, जो भी आप लेके आए हैं उन सबको आप वहाँ पे लॉक करके जा सकते हैं। इसके अंदर आपको देखना क्या रहेगा, बस कि आपके पास एक लॉक होना चाहिए जो लॉक आप यहाँ पे लगा सको, लॉक के साथ अलग एक चेन भी चाहिए। ब्रो चेन यहाँ नहीं चाहिए, वो चेन चाहिए जब हम यहाँ पे पूरा डॉर्मेट्री छोड़ के जाएंगे यात्रा के लिए, क्योंकि जब हम कमरा ये डॉर्मेट्री बेड खाली करेंगे ना तो हमें यहाँ से सामान निकालना पड़ेगा, तो सामान फिर कहाँ रखेंगे, वो रखेंगे नीचे लॉकर के अंदर जो कि बेसमेंट में उसकी सुविधा दी गई है। बट वहाँ पर भी हमारे को क्या चाहिए, ताला और चेन चाहिए। हालांकि चेन हमारे पास नहीं थी, हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा, बट बाय रिक्वेस्ट उन्होंने हमें बोला कि आप इसको एक काम करो रस्सी से या फिर अपने मफलर से उसको बांध दीजिए ताकि कोई बैग मिसप्लेस ना हो, तो बाय रिक्वेस्ट हमारा काम हो गया। बट हर बार ऐसा नहीं होता, तो अपना आप जो है जो लॉक है और प्लस जो आपकी चेन है उसको आप साथ लेके आइएगा। तो कुल मिला के बात करूँ तो ये जो हम अभी आपको कवरेज में दिखा रहा हूँ ये है आपकी त्रिकुटा भवन की। डॉर्मेट्री का जो फेयर है 150 रुपये 150 रुपये दोनों जगह सेम है, बट यहाँ पे प्लस पॉइंट मुझे यही लगा कि हमें बेड के साथ साथ डॉर्मेट्री मिलता है, उस
उसके अंदर हम लोग सामान अपना रख सकते हैं और यात्रा के तुरंत बाद यहाँ से अपना सारा सामान निकाल के बेड खाली करके नीचे अपने सिक्योरिटी जो आपके सामने दी थी वो लेके कंबल के अगेंस्ट अपना क्लॉक रूम में सामान जमा कर सकते हैं। और क्लॉक रूम में हमारे को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए क्या, ताला और चाबी। तो ये है कुछ आपका त्रिकुटा भवन का जो मैंने आपको बताया। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो है मैंने कंबल लिए हैं अभी और इसी डॉर्मेट्री के अंदर, इसका नाम है त्रिकुटा भवन। पर कंबल का चार्ज है यहाँ पे 500 रुपये सिक्योरिटी देनी होती है और चार्जेस कोई भी नहीं है। पूरा का पूरा अमाउंट जो आपने पे किया होगा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपको रिटर्न करने पर वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने खुद ही बोला क्या कि आप एक बजे की जाए, आप तीन लोग हैं तो आप 6 कंबल ले जाइए क्योंकि ठंड ज़्यादा है और आपको ठंड से बचाव होगा, क्योंकि पैसा इसका कोई लगना नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी है जो आपको वापस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है तो अच्छा है, ओवरऑल अच्छा लगा चाहे पैसा हो भी चाहे ना भी, क्योंकि जो श्राइन बोर्ड की व्यवस्था है ना वाकई ही में काबिल तारीफ़ है। जो भी श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं प्लान बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनका एक बहुत सैल्यूट तो बनता ही है श्राइन बोर्ड के लिए जो कि इतना व्यवस्था करते हैं हमारे श्रद्धालुओं के लिए, सभी माता के भक्तों के लिए। सो ये था कुछ अपडेट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि अगर जब भी आप त्रिकुटा भवन में या फिर शक्ति भवन में या निहारिका भवन में जब भी आप आएंगे डॉर्मेट्री या रूम बुक करेंगे, रूम के अंदर होते ही होते हैं, डॉर्मेट्री के लिए भी आपको कंबल मिल जाएगा और वॉशरूम्स के अंदर प्रॉपर मेंटेनेंस है और पानी गर्म भी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं क्लॉक रूम, ये आपका है शक्ति भवन का जो कि निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स के बीच में ही आता है और बस स्टैंड से हार्डली 200 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था त्रिकुटा भवन के अंदर, वहाँ तो डॉर्मेट्री बेड के साथ था बट ये डॉर्मेट्री रूम के बाहर है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो बेड आपको मिलेगा वही नंबर का लॉकर आपका होगा। आप ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर और हर एक फ्लोर के ऊपर लॉकर रूम लगे हुए हैं, बस आपको ताला लेके आना है। तो ये हम एंटर कर चुके हैं कहाँ, शक्ति भवन के अंदर जो कि त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है और यहाँ देख पा रहे हैं कि एक कमरे में 20 बेड लगे हुए हैं और 20 बेड लगे होने के साथ साथ आप यहाँ पे देखिए ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे कोई भी आपके पास वार्डरोब नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं इन बेड्स के ऊपर सारा सामान ओपनली पड़ा हुआ है, तो रात को हमें क्या करना होगा वहाँ पे रख के आना पड़ेगा लॉकर के अंदर और फिर हम वहाँ से लेके आएंगे, तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे वो सुविधा होती ना वार्डरोब की तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर था। और यही नहीं, जब आप इस बेड को छोड़ के जाएंगे तो छोड़ने के बाद भी आपको वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था बाहर लॉकर जो बने हुए हैं वहीं पर आपको सामान डाल के जाना पड़ेगा। लॉकर की व्यवस्था यहाँ पर है बट वो रेकमेंड करते हैं कि आप किसी भी लॉकर में सामान रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास चेन है या नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं वॉशरूम्स की बात करूँ तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये इनके हैं वॉशरूम्स, लेडीज़ का अलग है जेंट्स का अलग है। अब यहाँ पे अगर सीट की बात करूँ तो वेस्टर्न टॉयलेट भी है, इंडियन सीट्स भी है, वॉश बेसन लगे हुए हैं हैंड वॉश करने के लिए और अपना ब्रश वगैरह करने के लिए। बट जो एक मुझे ड्रॉबैक लगा वो क्या है, नहाने की व्यवस्था। अब यहाँ पे देखेंगे जेंट्स के लिए कॉमन है, ठीक है, कॉमन टैप लगी हुई है, बकेट्स हैं यहाँ पे, मग्स हैं और गीजर एक ही लगा हुआ है बड़ा। तो अगर यहाँ पे ओपनली नहाया जाएगा तो नेचुरली बात है कि जो अंडरवेयर जो गारमेंट्स हैं हमारे वो क्या होगा, वो सारे भीग जाएंगे, तो उनको फिर गीले को कैरी करना थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो यहाँ मुझे सिर्फ ये ड्रॉबैक लगा क्या कि अंडर गारमेंट्स तो गीले यहाँ पे होने ही होने हैं क्योंकि जो यात्री नहाएगा तो नेचुरली बात है कि वो बिना कपड़ों के तो नहाएगा ही नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक महाशय जी को नहाते हुए और ये पर्सन जो है नहा रहे हैं, तो बस वही है कि एक पर्सन है चाहे 10 हैं सबको ऐसे ही आना पड़ेगा और अपने लिए एक अलग से पॉलिथीन कैरी करना पड़ेगा ताकि वो अपने गीले कपड़े वहां पे डाल सकें। तो ये है कुछ अपडेट जो मैंने आपको बताया त्रिकुटा भवन और आपका जो है शक्ति भवन, ठीक है, कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो अगर हम अकोमोडेशन की बात करें किस तरह से बुक करना है तो मैं आपको ले चलता हूँ आप वेबसाइट के पोर्टल के ऊपर जो कि है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की, एक एप्लीकेशन भी है मोबाइल की, अगर आप मोबाइल यूजर्स हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर आप लैपटॉप कंप्यूटर पर जाके वेब पोर्टल से भी कर सकते हैं, दोनों ही सूरत में आपकी बुकिंग की पॉसिबिलिटी है और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से बुकिंग करते हैं। बट उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी था कि मैं डॉर्मेट्री अगर बुक कर रहा हूँ तो मैं कहाँ पर बुक करूँ, शक्ति भवन में या फिर आपका त्रिकुटा भवन में। तो ले चलते हैं आपको बुकिंग की ओर। सो डॉर्मेट्री, हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग या बैटरी कार, अगर हमें किसी भी चीज़ को बुक करना हो तो हम क्या करेंगे, अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे कौन सी ऐप, माता वैष्णो देवी ऐप। ये जो है आपकी ऐप है जो कि श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कीजिएगा अपने मोबाइल के अंदर। और इसको लॉगिन करने के दो तरीके हैं, एक है बाय यूजिंग पासवर्ड और बाय यूजिंग मोबाइल ओटीपी।
तो अगर आपके पास पासवर्ड का झमेला आप नहीं चाहते करना कि मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो बेटर है अपने फ़ोन नंबर के साथ लॉगिन करके आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी से आप लॉगिन करके आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको मोबाइल ऐप से कि हम डॉर्मेट्री या रूम किस तरह से बुक करेंगे, चाहे वो त्रिकुटा भवन का हो, चाहे शक्ति भवन का हो, या फिर चाहे रूम हो, चाहे वो अर्धकुंवारी में हो, चाहे वो भवन में हो। जो भी सुविधाएँ हैं जो श्राइन बोर्ड दे रहा है अपने भक्तों को, वो सब हम अवेल कर सकते हैं अपनी इस ऐप के थ्रू। और बता दूँ आपको, इस ऐप में चाहे टिकट आपका रोपवे का हो, चाहे डॉर्मेट्री का हो, चाहे रूम का हो, चाहे बैटरी कार का हो, चाहे हेलीकॉप्टर टिकट का हो, चाहे किसी पूजा को लेकर हो, हर वो चीज़ का लिंक आपको इस ऐप के ऊपर मिल जाएगा और यहाँ से आप पेमेंट करके उस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है श्राइन बोर्ड द्वारा अपने भक्तों के लिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐप हो गया इंस्टॉल, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर करना होगा रजिस्टर या फिर अपने फ़ोन नंबर से आप लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे रहा हूँ 9468340974 और यहाँ पे करूँगा लॉगिन विद ओटीपी। जैसे मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा तो मुझे इस नंबर पर ओटीपी आएगा और वो मुझे ओटीपी यहाँ पे डालना है। जैसे मैं ओटीपी डालूँगा मेरा वो लॉगिन कर जाएगा। ये पूछ रहा है वन टाइम पासवर्ड, सो वेट फॉर अ वाइल, जब तक मेरा ओटीपी नहीं आता। ओटीपी मेरा आ गया है 426160, तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 426160 और मैं यहाँ पे ओके करके करूँगा वेरीफाई। इससे मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया और ये डैशबोर्ड आ रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ स्किप। स्किप करने के बाद मुझे क्या करना होगा, डॉर्मेट्री देखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके पास एकोमोडेशन की, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर पूछेगा आपको लॉगिन करना है, तो आप अपना नंबर दीजिए जो मैंने पहले दिया था, सेम नंबर से करूँगा एंड गेट ओटीपी। दोबारा मुझे ओटीपी आएगा इस नंबर के ऊपर 1855435, 1 1 8 5 4 3 5। ये एंटर करके आप यहाँ पे कीजिए लॉगिन और ये लॉगिन मेरा हो चुका है। अगर हम चेक करें अपनी प्रोफाइल में जाके कि मैं आपको दिखाऊँ कि जो लास्ट मैंने एंट्रीज की थी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, तो आप देखेंगे डोनेशन की चाहिए आपको सर्विस या हेलीकॉप्टर की चाहिए, मेरे को देखनी है एकोमोडेशन की, क्योंकि मैं लास्ट मैंने कब बुक की थी। तो देखिए बता रहा है कि मेरी सक्सेस हुई थी 22 जनवरी को मैंने बुक किया था और मैं अभी जाके आया हूँ और यहीं से मैं कर सकता हूँ डाउनलोड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो। बट मुझे क्या बुक करना है तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाके होम पे जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा क्लिक एकोमोडेशन के ऊपर। अब सबसे पहले बता रहा है इंस्ट्रक्शंस, वो क्या है कि जो रूम है वो सिंगल पर्सन को नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर सिंगल पर्सन रुकना चाहता है श्राइन बोर्ड की व्यवस्था के अंदर तो वो डॉर्मेट्री बुक कर सकता है। नंबर दो, डिटेल अगर एक बार सबमिट हो गई है तो वो मॉडिफाई नहीं होगी, ये साफ साफ लिख रहा है इसके अंदर। तो आप डिटेल अपने अपने बड़े ध्यान से देनी है। लोकेशन की बात करूँ तो मुझे कहाँ पे लेना है, जम्मू में लेना है, कटरा में लेना है, भवन में लेना है, या लेना है आपका भवन के पास जो एरिया पड़ता है, इसको बोलते हैं सांझी छत, जो कि 2.5 किलोमीटर पीछे है भवन से, या फिर अर्धकुंवारी। तो लाइक मुझे कटरा में लेना है तो मैं यहाँ पे कटरा पे क्लिक करूँगा। और चेक इन टाइम आपका 10 बजे का है, चेकआउट टाइम भी आपका 10 बजे का है। अब आपको टाइप क्या चाहिए, रूम चाहिए, डॉर्मेट्री चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रूम देखता हूँ तो कितने दिन के लिए चाहिए, यहाँ पे दिन सिर्फ एक ही दिन का आएगा, 2 दिन का नहीं आप कर सकते। और चेक इन डेट क्या है, जो ग्रीन आ रहे हैं वो अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूँ जैन के महीने की तो जैन तो अभी ख़त्म है, नहीं शो कर रहा, ठीक है। फेब का आ रहा है, मार्च का भी आ रहा है, ठीक है, और अप्रैल का नहीं आ रहा, विच मीन्स 60 दिन पहले ओपन हो जाता है। हाँ, 9 फरवरी को ये बुक है, लाल पूरा बता रहा है। तो मान लीजिए मैं जा रहा हूँ बुधवार को 7 तारीख को, तो मैंने 7 फेब किया और यहाँ पे बता रहा है क्या कि अवेलेबल है निहारिका भवन में 2 बेड एसी रूम है, 2200 रुपये है और 22 सीट्स अवेलेबल हैं, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। कितने रूम चाहिए आपको, एक रूम चाहिए। अब पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, जैसे टैप किया नंबर ऑफ़ रूम्स आपको एक चाहिए, आगे डाल देंगे आप कि नंबर ऑफ कितने बंदे हैं, 2, और कितने बच्चे हैं, वो है 1, और एज जो है ना बच्चे की वो 10 साल से कम होनी चाहिए, तो टोटल 3 बंदे हो गए। तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको वहाँ पे उसके चार्ज एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे 2 की जगह पर 3 हो रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं डॉर्मेट्री की, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, वापस जाऊँगा यहाँ पे, लूँगा एकोमोडेशन। लेने के बाद यहाँ पे जो है टाइप यहाँ पे करूँगा डॉर्मेट्री, देना मुझे कटरा में ही है, नंबर ऑफ डेज 1 दिन ही आएगा। और यहाँ पे चेक करता हूँ
कि मेरे कब जाना है, 7 तारीख को जाना है, तो मैंने यहाँ 7 लिया, तो देखिए बता रहा है शक्ति भवन बता रहा है और त्रिकुटा भवन बता रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन आ गई हैं। शक्ति भवन के अंदर आपका है 95 अवेलेबल पड़ी है और त्रिकुटा भवन में आपका पड़ा है 441। बता दूँ आपको, अक्सर जो यात्री हैं वो शक्ति भवन लेते हैं ये सोच के कि वो बिल्कुल निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर है, वो बस स्टैंड के पास है, बट बता दूँ आपको शक्ति भवन से जो डिस्टेंस है ना त्रिकुटा भवन का, वो हार्डली 500 मीटर है। विद इन अ 5 मिनट आप वहाँ पहुँच जाओगे बाजार से होते हुए, लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें जो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो के अंदर, कि जो वॉशरूम्स हैं जहाँ पे हम नहाते हैं, है ना, जेंट्स की बात करें तो त्रिकुटा भवन के अंदर जो है वो सेपरेट बने हुए हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो कपड़े वगैरह हैं वो गीले नहीं होते। और हम बात करें अगर शक्ति भवन की, तो वहाँ पर ओपन है और वहाँ पर जो हमारे कपड़े वगैरह हैं वो गीले हो सकते हैं, इसको कैरी करने के लिए बाद में हमें पॉलीथीन चाहिए होता है, हमें सुखाने होते हैं। सो डिफरेंस मैंने बताया था आपको क्लॉक रूम को लेके, लॉकर व्यवस्था को लेके, एकोमोडेशन टाइप को लेके, वार्डरोब्स को लेके और वॉशरूम्स को लेके, तो डिफरेंस क्लियर। अगर आप मेरी चॉइस मानिए तो आई थिंक त्रिकुटा भवन इज फार मच बेटर देन शक्ति भवन। ठीक है, दोनों ही बस स्टैंड के पास है, दूर नहीं है, बट हमें लगता है कि वो दूर है, सिर्फ डिस्टेंस आपका है 500 मीटर का, विद इन 5 मिनट बाजार से होते हुए वहां पर आप पहुंच सकते हैं। तो मेरी जो पहली चॉइस है वो क्या है, वो है त्रिकुटा भवन। मैं यहां पर क्लिक करता हूं, 441 अवेलेबल है, कितने बेड चाहिए। अब बता दूं आपको कि एक आईडी के ऊपर जो नंबर लॉगिन की है उस पर हम 5 लोगों की बुकिंग कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फिलहाल के लिए एक, ताकि जल्दी काम खत्म हो जाए। मैंने यहाँ पे लिया यूज़ प्राइमरी, और जो पर्सन का नाम है हम इस तरह से नाम अपना फिल करेंगे नेम बॉक्स के अंदर, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी नोटिफिकेशन है, जो कन्फर्मेशन है आपको, वो आपको मेल आईडी पर आ जाएगी। हालांकि आप ऐप से भी निकाल सकते हैं, बट आपको मेल भी आ जाती है, तो अगर आपके पास मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप डालिएगा जरूर, हालांकि मैंडेटरी है, आपको डालना ही पड़ेगा। एड्रेस क्या है, जहाँ पर आप घर का आपका एड्रेस है, एज़ पर द आधार कार्ड आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप डालेंगे वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक डमी एड्रेस डाल रहा हूँ, और ये डिटेल आ गई मेरी, जेंडर टाइप क्या है, यहाँ पे मेल फीमेल या अदर्स कर सकते हैं, मैंने किया मेल, एज 44, आई टाइप क्या है। अभी हमारे आईडीज आ रहे हैं, आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, इन 5ों में से कोई आपको पिक करना है, इसके अलावा कोई लोगे तो नहीं लेगा। तो मैं यहाँ लेता हूँ अपना पैन कार्ड, तो जो मैं अपना पैन कार्ड नंबर दे रहा हूँ ना, तो ये आपको वहाँ पे लेके जाना है एट द टाइम जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे। अगर आप वहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे तो वो कैंसिल कर सकते हैं। AMOPP24 84R, दिस इज़ माई पैन नंबर, और मैं करता हूँ एग्री और यहाँ पे करूँगा सबमिट। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये पूछ रहा है आपके डिटेल यही है ना, एक बार वेरीफाई कीजिएगा। लोकेशन क्या है, कटरा, टाइप क्या है, डॉर्मेट्री, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, त्रिकुटा भवन है, कैटेगरी है डॉर्मेट्री नॉन एसी, एक बेड लिया है मैंने एक दिन के लिए, 7/2 को मेरा चेक इन है 10 बजे का त्रिकुटा भवन में, और 8/2 को चेकआउट है। अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत से यात्री पूछते हैं कि सर 7 तारीख को मेरी ट्रेन पहुँचेगी रात को 11 बजे, तो क्या मुझे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आपकी चेक इन डेट 7 तारीख है, चेकआउट टाइम आपका 8 तारीख को है, तो 8-10 बजे से पहले अगर आप सुबह 8 बजे ही पहुंचोगे ना, तब भी वो 2 घंटे के लिए आपको डॉर्मेट्री देंगे, 10 बजे के बाद अगर जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको, उससे पहले आपको मिलेगा। और आपका अमाउंट कितना है, 150 रुपये, ये आपकी डिटेल आगे सारी की सारी, और यहाँ पे आप पेमेंट क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ एक और आती है, क्या कि जो मैंने अभी आईडी दिया है वो मैंने आईडी कौन सा दिया है, पैन कार्ड पे दिया है। ठीक है, अब मुझे अगर एक बुकिंग और करनी हो तो वो क्या बताएगा नेक्स्ट टाइम, कि आपका जो है पैन कार्ड यूज़ हो रखा है किसी सर्विस के लिए, तो वहाँ पे आप अपना आईडी को चेंज करके बुकिंग और भी कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मुझे 2 रूम की करनी है, मुझे आने की भी करनी है वापसी में, तो जब वापसी की आप करोगे ना तो आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, वो क्या बताएगा कि आपकी इस आईडी पे जो है सर्विस बुक हो रखी है। तो अपना वहाँ पे आधार कार्ड ले लीजिए, ठीक है, या फिर वोटर कार्ड ले लीजिए, लेकिन आपको फिर जो मैंने अभी दिया है पैन कार्ड, फिर वो नहीं चलेगा, आपको आईडी चेंज करनी पड़ेगी। तो आईडी चेंज करके आप वापसी की भी बुक कर सकते हैं, ये मैंने आपको लॉगिन करके मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। सो इस तरह जैसे मैं सबमिट करूंगा तो डिटेल पूछेगा आपसे कि कैसे आपको पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है, डेबिट कार्ड से करनी है, तो जो भी आपका कार्ड है डेला के सारा आपको पता है, पता ही होगा। तो जैसे ये पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ से आपको मेल भी आ जाएगी, आपको SMS भी आ जाएगा, और साथ में जब आपको प्रिंट निकालना हो तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे जब जाएंगे ना प्रोफाइल पे, यहाँ पे ऑप्शन आएगी माई बुकिंग्स की, तो जैसे मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ पुराने वाली, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं पहले लॉगिन करूँगा, तो मेरे पास 2 नंबर है, मैंने 2 से लॉगिन किया जब हाल ही में जाके आया था, बट आप यहाँ पे कोई भी ले लो, क्योंकि वो नंबर पे तो आपकी डिटेल शो हो ही जाएगी अगर आपने किया होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ गेट OTP, और फिर मुझे OTP आएगा, ये डाला मैंने OTP एंड लॉगिन,
लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के ऊपर। और ये वो सर्विसेज हैं जिसको हम ले सकते हैं, जैसे डोनेशन है, आरती है, SSVP है, हेलीकॉप्टर है, बैटरी कार है, हवन पूजन है, यात्री पर्ची है, रोप वे है, ये सब सर्विसेज जो है श्राइन बोर्ड ने कर दी है ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अकोमोडेशन पे, क्योंकि मेरे को चेक करना है वो जो मेरी पहले बुकिंग हो रखी थी। तो ये एक बता रहा है, यहाँ पे मैं करता हूँ पेंडिंग जो मैंने अभी ट्राई की थी बुक करने की, आज 7/2 की ये जो शो कर रहा है, और अभी स्टेटस क्या आ रहा है पेंडिंग, मैंने उसको कैंसिल कर दिया था, लेकिन जो मैंने पहले बुक कर रखी है वहाँ पे क्या आ रहा है सक्सेस। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड, तो देखिए पूरी की पूरी टिकट मेरी यहाँ पे ये शो हो रही है। तो वहाँ पे जब इस QR कोड स्कैन करेंगे तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो भरी होगी वो साइन बोर्ड के पास चली जाएगी और वो आपको रूम दे देंगे। तो ये कुछ तरीका है आपका साइन बोर्ड के ऊपर, साइन बोर्ड की साइट को यूज़ करते हुए डॉर्मेट्री रूम या कोई और सर्विस अवेल करने का, इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, और हाँ बेल आइकन पर तो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव किसी भी यात्रा को लेकर वो आप तक पहुँच सके। सो कीप सपोर्टिंग मी, जय माता दी।